उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक साल बाद एडवर्ड लॉन एक बजट लेके आते हैं और उस बजट में 7 करोड़ बचत को दर्शाते हैं। इसके विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले अपने आंकड़ों के धार से ये साबित कर दिखाते हैं कि ये जो 7 करोड़ का बचत हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अकाल के वक्त भी सरकार किसानों से लगान लेती रही। सरकार ने ये तो दिखा दिया कि ना उन्होंने बचत किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे किया है, कितने किसानों के कब्र को खोद कर किया है। सरकार राजस्व में इजाफा केवल गिन रही है, लेकिन उसके सच्चाई से अनभिज्ञ है।